Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Welcome to the online academic session 2020-21. And first of all, I would like to say a warm welcome to the first online phases class. So today's lecture, we will explain how to complete the particulars of the classwork notebook and course contents and the work from home project. So dear student, first of all, I am going to talk about the first page of the classwork notebook, physics note, that is physics notebook. So how to complete the physics notebook. आप लोग क्योंकि नाइन्थ में हैं तो ऑलरेडी आप लोग के साथ फैमिलियर है, कॉपी आप लोग के पास हैं, ये बुक आप लोग के पास होनी चाहिए. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो काइंडली आप लोग ये बुक परचेज करें. एंड आई होप कि आप सब बच्चों ने नोटबुक उन्होंने ली होंगे नए, और उसी जो नए नोटबुक्स आप लोगों ने लिए हैं तो इन नए नोटबुक्स की आप लोगों ने इनके जो फर्स्ट पेज है, जो पर्टिकुलर्स है, कोर्स कंटेंट है एंड रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट है, इसको हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस पर्टिकुलर्स को कैसे फिल करना है, कैसे कंप्लीट करना है. तो आज के इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे, इसी को एक्सप्लेन करेंगे दैट हाउ टू कंप्लीट द पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द फिजिक्स नोटबुक. सो एंड द स्पेसिमेन इज एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे आप डिफरेंट जो इसके जो जो ब्लॉक्स है, हमने इस ब्लॉक्स को कैसे फिल करना है. यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखें, सीरियल नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये सीरियल नंबर आप लोगों ने इसी तरह ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आप लोगों को अपने क्लास के मुताबिक अपने जिस सेक्शन में आप लोग बैठेंगे तो उसी में आप लोग को रिगार्डिंग वो सीरियल नंबर आप लोग को इशू होंगे, और वही सीरियल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे इसी कापी में लिखना है. सेकंड नंबर पे आप लोग का यहाँ पे नेम आता है, तो अपना नेम यहाँ पर लिखे. मैंने जिस तरह एग्जाम्पल में यहाँ पर मोहम्मद हिशाम खान लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे. फिर आ जाता है थर्ड जो पर्टिकुलर्स है, जो ब्लॉक है आपके, आ जाता है क्लास. क्योंकि आप माशाल्लाह आप नाइन्थ में प्रमोट हो गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेड नाइन्थ लिखना है. क्या लिखना है? ग्रेड नाइन. यहाँ पे सेक्शन आ रहा है तो सेक्शन को आप लोग इसी तरह ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप लोग आएंगे तो आप लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन इशू होगा और उसी सेक्शन के मुताबिक फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेक्शन लिखना है. लास्ट नंबर पर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स वीडियो लेक्चर है, फिजिक्स नोटबुक है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पर फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो लिखना है. साथ साथ आप लोग ब्रैकेट में इसके साथ क्लास वर्क लिखें, सी डब्ल्यू, क्योंकि हमने क्लास में इसी में काम करना है, तो क्लास वर्क भी साथ साथ आप लोग लिखें. इस वजह से आप लोग होमवर्क भी इसके साथ प्लस होमवर्क भी लिख सकते हैं. कभी कभी हम काम जो है वो होमवर्क इसमें भी दे देते हैं. नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें, नेक्स्ट पेज पर ही पर्टिकुलर्स फिर रिपीट होते हैं, और उसी में फर्स्ट जो ब्लॉक है वो सीरियल नंबर का है, तो आप लोग सीरियल नंबर को उसी तरह छोड़ दें जिस तरह हमने फर्स्ट पेज पे आप लोगों को बताया कि उसी में जो पर्टिकुलर सीरियल नंबर का है वो इसी तरह आप लोगों ने छोड़ना है. क्योंकि जब आप लोग फिजिकल क्लास में आएंगे तो वहाँ पे फिर क्लास टीचर आप लोगों को अपनी सीरियल नंबर बताएंगे, और वही सीरियल नंबर आप लोगों ने फिर इस कापी नोटबुक में लिखने हैं. सेकेंड नंबर पर अपना नेम है, तो वो मोहम्मद हिशाम खान. एंड द थर्ड नंबर ग्रेड नाइन्थ, एंड सब्जेक्ट जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्योंकि फिजिक्स है, ब्रांच बॉयज टू है, सेशन जो है वो 2021-22 है. टीचर्स नेम अभी यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप लोग फिजिकल क्लास में आएंगे तो आप लोग जो टीचर आप लोगों के क्लास में फिजिक्स के लिए पढ़ाएगा, फिजिक्स में पढ़ाता है पढ़ाएगा, तो वही आप लोगों ने उसी टीचर का नेम जो है वो लिखना है यहाँ पर. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टर्म, मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म. लेकिन अब अभी हम मिड टर्म की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, तो आप लोगों ने फिलहाल यहाँ पे मिड टर्म लिखना है. फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पेज आप लोगों ने इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है. नेक्स्ट पेज आप लोग जो स्क्रीन पर आप लोग को ये डायग्राम नज़र आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सेकंड चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है, तो कहीं पे बुक में आप लोगों का जो फेवरेट डायग्राम है फिजिक्स रिलेटेड हो वो आप लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे. फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने चैप्टर नंबर वन से स्क्रू गेज का आप लोगों के लिए यहाँ पे पेस्ट किया है, ड्रा किया है, तो आप लोग भी इसी तरह एक नीट डायग्राम जो है वो आप लोग हैंडमेड बनाएं, और इसी तरह वर्नी कैलिपर का, स्क्रू गेज का हो सकता है, मे बी फिजिकल बैलेंस है, स्टॉप वॉच है, एंड रिगार्डिंग एनी डायग्राम रिलेटेड टू फिजिक्स हो, तो आप लोग यहाँ पे इस सेकंड पेज पे इस फिजिक्स का एक डायग्राम आप लोगों ने यहाँ पे मस्ट ड्रा करना है.
फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज को आप लोग कंप्लीट इसी तरह छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप लोग का कोर्स कंटेंट्स आ रहा है। फर्स्ट पेज हेडिंग क्या है? कोर्स कंटेंट। जिस प्रेजेंटेशन के साथ मैंने इस कॉपी को फिल किया हुआ है, तो सेम टू सेम आप लोगों ने इसी प्रेजेंटेशन को, इस इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली ए टू जेड आप लोगों ने फॉलो करने हैं। जिस तरह हम क्लास में आप लोगों को बताते हैं कि जब हेडिंग आप लोग लिखते हैं, आप लोगों ने हेडिंग्स को कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। देखिए कोर्स कंटेंट्स, फिर इसी को इस तरह ब्लॉक में क्लोज करें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप लोगों फिजिक्स लिखें, फिजिक्स क्लियर, ठीक है फिजिक्स, एंड सेंटर में आप सी डब्ल्यू क्लास वर्क शुरू हो गया। और यहाँ पे आप लोग को क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, जो जिस डेट पे आप काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल कल आप लोगों ने, आज आप लोगों ने काम शुरू किया है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है? 23 अप्रैल 2021। क्लियर? तो आप लोगों ने हर पेज को इसी तरह प्रिपेयर करना है। क्या लिखना है? फिजिक्स एज वेल इसके साथ क्लास वर्क, एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है? डेट लिखना है 23 अप्रैल 2021। फिर आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग, जो है कोर्स कंटेंट्स। इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसको ब्लॉक में क्या करना है? क्लोज करना है, और इसको डबल अंडरलाइन भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है इसके जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द फॉलोइंग, क्योंकि हम मिड टर्म में जितने चैप्टर पढ़ेंगे, तो कोर्स कंटेंट में हमने चैप्टर्स के नंबर्स और एज वैल्यूज के साथ आप लोगों ने नेम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द फॉलोइंग यूनिट्स या चैप्टर्स विल बी कवर्ड ड्यूरिंग मिड टर्म 2021। फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट और 2-3 टॉपिक थे, वो हमने 8 में भी डिस्कस किए थे, लेकिन हम दोबारा इसी को फिर स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 इसका नंबर है, इसी के साथ तो इसका जो यूनिट चैप्टर 3 का जो नेम है वो डायनामिक्स है, कैपिटल्स में लिखना है, अंडरलाइन करना है। क्लियर? फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर है यूनिट है वो 4 है। इसका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इस चैप्टर का नेम है। इसी तरह इसको लिखिए, इसको अंडरलाइन करें और ब्लॉक में क्लोज करें। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है वो ग्रेविटेशन है इस चैप्टर का नेम, और इसको अंडरलाइन करें। इसी तरह यूनिट नंबर 6 का जो नेम है वर्क एंड एनर्जी, हमने 7 अप टू 7 तक मिड टर्म में डिस्कस किया। नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, यहाँ पे हमने लिखा है यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सो मिड टर्म में ग्रेड 9th में हम अप टू चैप्टर नंबर 7 तक हमने मिड टर्म में ये चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आप लोगों के पास आता है वो है हेड राइटिंग का। इसी तरह कैपिटल्स लिखे, प्रॉपर ब्लॉक बनाएं, इसको शेड करें पेंसिल से, और इसी तरह जिस तरह प्रेजेंटेशन के साथ हमने लिखा, इन प्रेजेंटेशंस की रूल्स को बार बार हम आप लोगों को ये क्लास, फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में रिपीट करते हैं कि इन प्रेजेंटेशंस के जितने भी रूल्स हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। जब तक आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उस वक्त तक आप लोगों का जो पेपर में जो लुक होता है, जो आप लोग की कॉपी में प्रेजेंटेशन होती है, वो प्रॉपर नहीं होगी। इसी के साथ अगर आप लोग देखिए, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ, इसी में आप लोगों ने मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नसीरुद्दीन है, इसी तरह ये वर्ड है, डिवाइस एडवाइस है, तो इसी तरह आप लोग हर पैराग्राफ में कम से कम 3 to 4-5 वर्ड्स आप लोगों हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरह जो मेन पॉइंट है। फिर इसी तरह ब्लॉक बनाएं, इस तरह शेड करें, तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग का एक फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आप लोगों का एक कम्प्लीट जो है एक स्टेटमेंट, इसका कम्प्लीट पेज आपका ये कॉपी के जो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 है, क्योंकि हम यूनिट 3 से स्टार्ट लेंगे, एंड दैट इज डायनामिक। सो नेक्स्ट जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, और वो जो नेक्स्ट पेज है आप लोग इसी तरह कंप्लीट पेज इसी तरह फिर रेडी करेंगे, और उसी पे आप लोग इसी तरह कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट मई 2020-21। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ये वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट जो है, इसको हमने कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? एंड इसके बाद भी अगर आप लोग का इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्कूल मैटर्स, तो आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, स्कूल भी आ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम स्पेशली इस वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, इसी पे हम लेक्चर बनाएंगे, इसी पे हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।